Hello students, I am Desh Singh. Today we will start a new chapter of science, chapter 2. Earlier we are know about chapter 1, nutrition in living organism in plants. And this is the chapter 2, nutrition in living organisms, especially animals and man. I hope you have complete your exercise of chapter 1, and if you have any problem then you consult me on WhatsApp. Now let us start chapter 2. You have already learned in chapter 1, the plants can prepare their own food and are called autotrophs. Animals cannot prepare their own food and are called heterotrophs. Animals eat complex food materials but break it down into simpler form in their bodies. Their body gets the required nutrition through the three main steps shown below. Animals जो nutrients उनकी body में होता है वो main three types से होता है. इसमें हम देखेंगे वो कौन कौन से types हैं. Here you see animals nutritions. First mode of nutrition is mode of intake of food. Second, food requirement and food habit. And the third one is utilization in body. Three main steps in animals nutritions. ये तीन steps इसमें form होते हैं. आगे हम इसको और detail में देखेंगे in next page. We see here mode of intake of food. किस तरह से वो अपना फूड इनटेक करते हैं. द मेथड ऑफ टेकिंग इज फूड इज डिफरेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. द रिलेवेंट पार्ट ऑफ देयर बॉडी गेट मॉडिफाइड इन मैनर दैट मेक्स इट इजी फॉर देम टू ईट देयर फूड. डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप का न्यूट्रिशन होता है और कैसे डिफरेंट एनिमल्स अपने फूड को डाइजेस्ट करते हैं, कैसे मॉडिफाइड होता है उसकी बॉडी, वो उस पर डिपेंड करता है. फॉर एग्जांपल, ए स्पैरो हैज ए शॉर्ट बीक टू पिक अप सीड एंड वर्म्स. स्पैरो मींस गौरैया. इसका जो बीक होता है वो बहुत ही क्या होता है, शॉर्ट, छोटा होता है. और ये इस तरह से उसको सीड और वर्म्स, छोटे जो बहुत कीड़े होते हैं, उनको पिक कर सकती है. द लॉन्ग ट्यूबुलर बीक ऑफ द हमिंग बर्ड, उसके अगेंस्ट में ये फिगर में आप देख रहे हैं हमिंग बर्ड, इसका जो बीक है वो बहुत ही लॉन्ग होता है. हेल्प इट टू सक नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर. ये फ्लावर्स के नेक्टर को सक कर सकती है उसके अंदर तक अपनी बीक को इंटर करके. द काउ हैज शार्प इंसाइजर्स एंड फ्लैट मोलर टीथ. कि पहले आपको टीथ के टाइप्स बताए जा चुके हैं, इंसाइजर्स और मोलर्स, प्री मोलर्स, कैनाइंस. ये तो काउ में कैसे होते हैं, शार्प इंसाइजर्स एंड फ्लैट मोलर टीथ दैट हेल्प टू कट एंड ग्राइंड प्लांट मटेरियल्स, जिससे आसानी से वो प्लांट मटेरियल्स को कट कर सकें और उसको ग्राइंड कर सकें. The jaw of many snakes
enable them to swallow animals that may be much larger than the size of their head. बहुत सारे जैसे स्नैक्स में आप देखे हैं पाइथन, ये स्वेलो डायरेक्ट एनिमल्स या अपने प्रे को शिकार को शैलो कर जाता है, निगल जाता है, और वो उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में जाने के बाद फिर से वो डाइजेस्ट होता है। तो इस तरह से अलग अलग एनिमल्स के अलग अलग फूड हैबिट्स हैं। तो किस एनिमल्स के कैसा है, कैसे हैबिट्स होते हैं, ये हम देखेंगे फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड हैबिट्स एनिमल्स हैव बीन कैटेगराइज्ड इनटू थ्री डिफरेंट कैटेगरीज। तीन तरह की कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। इन द फर्स्ट द एनिमल्स लाइक काउ एंड डियर दैट ईट ओनली प्लांट मटेरियल्स आर कॉल्ड हर्बीवोरस। ये जो एनिमल्स हैं वो केवल प्लांट मटेरियल्स को ईट करते हैं, इसलिए इनको हर्बीवोर्स एनिमल्स कहा जाता है फर्स्ट। एंड इन सेकंड द एनिमल्स लाइक लायन एंड टाइगर दैट ईट ओनली अदर एनिमल्स कॉल्ड कार्निवोर्स। मींस दिस एनिमल्स ईट ओनली अदर एनिमल्स नॉट प्लांट्स। एंड इन थर्ड केस एनिमल्स लाइक बियर एंड ह्यूमन बींग्स दैट ईट बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स मटेरियल्स आर कॉल्ड ओमनीवोर्स। मीन्स ह्यूमन किस कैटेगरी में आता है, ओमनीवोर्स मीन्स ये प्लांट्स और एनिमल्स बोथ दोनों को ईट करता है। इसमें बियर भी है और भी अदर्स एग्जाम्पल्स इसमें आपको मिलेंगे। नेक्स्ट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन किस मोड से होता है ये हम देखेंगे। इसमें थ्री डिफरेंट मोड्स दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल हेटरोट्रॉप्स रिक्वायरमेंट ऑफ हेटरोट्रॉप एंड ऑटोट्रॉप्स, ये इसके थ्रू जैसे आपने प्लांट्स में देखा था इस तरह से। इसमें फर्स्ट है सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस, सेकंड पैरासिटिक न्यूट्रिशंस एंड थर्ड इज होलोजोइक न्यूट्रिशंस। अब इन तीनों ही न्यूट्रिशंस को हम और डिटेल में समझेंगे। सो वी आर नाउ नो अबाउट सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस। इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशंस वी हैव already learned in the previous chapter that the mode of nutrition in which an organism obtain its required nutrients from dead and decaying plants and animals matter is known as saprotrophic nutritions। ये dead and decayed animals से अपने food को gain करते हैं, इसलिए इसको saprotrophic nutrition कहा जाता है। such an organism secretes enzyme outside में अपने एंजाइम को रिलीज करते हैं एंड डाइजेस्ट द ऑर्गेनिक फूड एंड अब्जॉर्व द सॉल्युबल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जस्ट लाइक द प्लांट्स इन प्रीवियस चैप्टर। मोस्ट फंजाई एंड सम बैक्टीरिया आर सेप्रोट्रॉप्स, इसके एग्जांपल्स हैं जो आप प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। सेकेंड इज पैरासिटिक न्यूट्रिशंस, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म known as a parasite obtains food from some other living organism known as the host of a different group is known as parasitic nutritions। means ये totally other animals पे depend होते हैं और उसी की body पे live करते हैं, survive करते हैं। parasites may live on or in the body of another living organism। in this mode of nutrition the parasite is benefited while the host gets harmed। जैसा कि आपको पहले ही बताया गया था कि पैरासिटिक न्यूट्रिशंस में जो एनिमल्स अदर एनिमल्स की बॉडी पर सर्वाइव करते हैं वो उसको कोई भी बेनिफिट नहीं देते बल्कि उससे केवल लेते हैं, उसको केवल नुकसान पहुंचाते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं राउंड वर्म्स, हेड लॉस, बॉडी लॉस एंड
टेप वर्म आर पैरासाइट्स, ये सभी पैरासाइट्स हैं। जैसे बहुत सारे एनिमल्स के ऊपर देखे होंगे बॉडी पर, उसके बॉडी लोस जिसके कहते हैं, कुछ छोटे छोटे कीड़े उस पर रेंगते रहते हैं, उसको क्या कहते हैं, बॉडी लोस। हेड लोस जिसको हम जू भी कहते हैं, जो ह्यूमंस के हेड में भी पाया जाता है। तो ये टोटली क्या करते हैं, ब्लड को सक करते हैं अदर एनिमल्स का, और उससे उसको कोई भी बेनिफिट नहीं देते हैं होस्ट को। थर्ड इज होलोजोइक न्यूट्रिशंस। इन होलोजोइक न्यूट्रिशंस द ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा एंड ह्यूमन बींग्स, ये दोनों इसमें आते हैं, ईट फूड दैट मे बी इन सॉलिड और इन लिक्विड स्टेट। सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में फूड को ईट करते हैं। दिस फूड इज टेकन इन टू द बॉडी और ईटन एंड देन इज ब्रोकन डाउन और डाइजेस्टेड टू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन टू द बॉडी। जो हम फूड ईट करते हैं, खाते हैं, वो हमारी बॉडी में जाने के बाद डिफरेंट ऑर्गन्स में, डिफरेंट जो एलिमेंट्री कैनाल्स आप देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, वो डिफरेंट प्रोसेस में जा कर के अलग अलग स्पेस पे, अलग अलग फॉर्म में वो ब्रेक डाउन होता जाता है सिंपलर फॉर्म में। जैसा कि आपको पहले ही बताया गया कि फूड कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेते हैं एनिमल्स, बहुत ही जटिल फॉर्म में होता है, वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होने के साथ साथ सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज होता जाता है, और उसकी तब हम एनर्जी, हमारी बॉडी इसको एब्जॉर्ब करती है, न्यूट्रिशन टू द बॉडी। हैविंग अंडरस्टूड द थ्री डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशंस यूज बाई हेटरोट्रॉप्स, लेट अस नाउ टॉक इन डिटेल हाउ द ह्यूमन बॉडी गेट्स इट्स रिक्वायर्ड न्यूट्रिशंस। तो ये सारे जो डिफरेंट न्यूट्रिशंस आपने देखे एनिमल्स की, तो इसमें अलग अलग टाइप्स के लिए अलग अलग है। अब स्पेशली हम ह्यूमंस के लिए नेक्स्ट टॉपिक, जो हम नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो ह्यूमन न्यूट्रिशन के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। तो अभी आप इसको इतना रिवाइज करेंगे और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको हम सेंड करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप पे, आप उसको सॉल्व करेंगे। थैंक्स।